महक। अगर तुम्हें यकीन है कि महक की फैमिली उन प्रॉपर्टी के पेपर्स के पीछे नहीं है, तो वो तुम्हारी शादी दशहरे से पहले भी कर देंगे, इजंट सो? महक, मैं अपनी खुद की बनाई हुई पजल में फंसा गया हूँ। तो ये पजल कब सॉल्व होगी शौर्य? बहुत जल्द, कुछ और दिन। अगर ये प्लान फेल हो गया तो मुझे सच में उस जुजिंदर से शादी करनी पड़ेगी। शादी तो करनी है, चाहे दो दिन हो या दस दिन, करके खत्म करते, फिर तो हमेशा के लिए साथ रहना है ना? सरदार शरीफ सिंह आपका पागल दामाद है। अपने कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट करके सरदार शरीफ सिंह शर्मिंदा की डिटेल्स का पता लगा। ओ, वो देखो सच्चाई की नकली मूछ निकले जा रही है। कितनी स्वीट लग रही हो। वैसे अजय बहुत लकी है, एंड आई एम श्योर वो अपनी सुहागरात के लिए बहुत एक्साइटेड होगा। तुम्हें और शौर्य को लगता है ना तुम बहुत स्मार्ट हो, मुझसे पेपर्स चुराओगे? चुरा के तो देखो, जान से भी जाओगे। आई डोंट बिलीव मी, आओ देखो बाहर। हे माता रानी, निकिता ने तो अपने रूम को घात से सील कर दिया है, शौर्य प्रॉपर्टी की पेपर्स कैसे निकालेगा? करना महक, प्लीज बाहर आ जाओ। महक कहाँ जा सकती है? किसी ने देखा महक को? महक कहाँ हो यार तुम? महक मेरे पास है, सेफ है, और तब तक रहेगी जब तक तुम कोऑपरेट करते रहोगे। बख्शूंगा, बिल्कुल नहीं बख्शूंगा उन दोनों को, नरक से बदतर बना दूंगा महक और शौर्य की जिंदगी को। साला, इस धोखे का बदला महक की जान से लूंगा मैं। Stop it, you people! मैंने अपनी प्लानिंग की वजह से जो सब कुछ हथियार था, तुमने अपनी बेवकूफी की वजह से सब गवा दिया। साली, बहुत जुबान चलती तेरी, लगता है महक से पहले तू पड़ जाएगी। अब आपस में लड़ना बंद करो, अब भूल जाओ जो सब कुछ हुआ। नहीं भूलूंगा, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। जख्म को रोज खुरे दूंगा मैं, तब तक खुरे दूंगा जब तक महक और शौर्य से बदला ना ले लूं। हेलो, कंग्रेचुलेशंस महक, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें तुम्हारा घर वापस मिल गया और उस अजय को जेल हो गई। जीत आखिर सच्चाई की ही हुई। थैंक यू सो मच पूजा, मैं भी माता रानी से प्रार्थना करूंगी जिस रास्ते को तुमने चुना है उसमें तुम्हें जीत मिले। मेरी जीत का सफर तो अभी बहुत लंबा है। पूजा, अगर नरेंद्र आज सुप्रिया आंटी के पैर छू लेता है तो वो भी तुम्हारे लिए जीत है। नरेंद्र को उस नफरत से यहाँ तक लाना तुम्हारी जीत का पहला कदम होगा। पूजा, I wish you all the best to you too. जल्दी जाओ। शौर्य तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। शौर्य और तुम हमेशा खुश रहो। और एक दिन हम चारों साथ होंगे और सेलिब्रेट करेंगे। जरूर। बाय। चलो चलो, सब मखानी की खीर खा लो। ये लीजिए खुराना सर, आपकी फेवरेट मखानी की खीर। थैंक यू। देखिए, 24 घंटे की सीसीटीवी सर्वेलेंस चाहिए, समझा? जी भैया। शौर्य, अब इस सब की क्या जरूरत है? देखो मैं, अजय और गैंग का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी तरह की हरकत कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कम ऑन शौर्य, ये सब बंद करो। अच्छा शौर्य, आज सब लग गए हैं। कौन से आज? आओ बताता हूँ, कम बंद बंद करना। मुझे सब के 2 मिनट चाहिए। हमने हर बड़े छोटे शहर में एड्स लगवा दिए। इनाम क्या आज? जो कि मोहित को ढूंढेगा ना उसको वो इनाम मिलेगा। और इस काम में प्रणा साहब हमारी मदद करेंगे, आई एम श्योर हमें मोहित जरूर मिल जाएगा। थैंक यू।
बहुत तोड़ लिया नरेन व्यास ने तुम सबको, इज्जत शौहरत प्यार तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन गया, पर अब वक्त आ गया हिसाब बराबर करने का। हर वो वादा जो नरेन व्यास ने तुमसे कर तोड़ा उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। कल सुबह नरेन व्यास की किताब में एक नए पन्ने की शुरुआत होगी और वो किताब लिखूंगा मैं। बेचारे भाई, उन्हें तो खबर भी नहीं उनके सामने आने वाली मुसीबत। सो लेडी, आर यू रेडी? टाइम फॉर सम बूम। यस मिसेस कपूर, कुछ कहना था आपको? आपने भले ही आज तक कई लोगों से किए वादे तोड़े होंगे, लेकिन अब तक आपको मुझ जैसी भी कोई नहीं मिली होगी। लेट मी टेल यू मिस्टर व्यास, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपनी माँ के आंचल का सहारा लेना ही पड़ेगा, उन पैरों को छूना ही पड़ेगा जिन्हें बस छूने भर से सारी बलाएं दूर हो जाती हैं। और ये आप मुझसे करवाएंगे? और अगर ना करवा पाई तो फिर मिस्टर कपूर का पूरा कारोबार आपके नाम है। बट याद रखिएगा, अगले 24 घंटे के अंदर Amused. पहले तुम नरेन से मेरी चुगली करती हो, फिर मुझे इस घर से निकलवाती हो, और अब खुद ही इस घर में रोकने की कोशिश कर रही हो। What's the catch, पूजा? मुझसे चाहती क्या? आपके अंदर की अच्छाई को जगाना चाहती हूँ। भले ही आपने इस घर की बहू को किडनैप करने की कोशिश की हो, भले ही अपने खुद के नेफियो को झूठे ड्रग्स के केस में फंसा कर जेल भिजवाया हो, सुप्रिया मैम को ओवरडोज करने की भी कोशिश की हो, आपने चाहे कितने भी गलत काम किए हो, लेकिन रहेंगी तो आप सुप्रिया मैम की बहन है। इस कबाड़ खाने में तेरी कब बनेगी? बहन का दुपट्टा। जिंदगी को एक मकसद तो आपने बना रखा है मिस्टर व्यास, मैं तो बस रात ढलने से पहले आपसे वादा पूरा करवाना चाहती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कमाल है मिस्टर व्यास, आप खुद इतने नकली हैं और जज दूसरों को करते हैं। अपने कमरे में जाइए और बॉटल खोल लीजिए, इसके अलावा आपके गुस्से को और आता ही क्या है। मायरी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कहीं आप बाजी और मेरी लड़ाई की वजह से? मायरी, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं आपको वचन देता हूँ, आज के बाद मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य पर बल का प्रयोग नहीं करूंगी। नहीं राघो जी, ऐसा वचन मत दो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें हमारे घर के ही एक सदस्य पर अपने बल का प्रयोग करना होगा। अभी मैं वो करूंगा जो मेरा दिल कह रहा है, तुम्हारी माँ को छुड़ाऊंगा। That's it. हमारा पुराना रिकॉर्ड कुछ ठीक तो है नहीं ना? फिर पुलिस आएगी लेने तुम्हारा उंगली का चिन्ह, फिर तुम जाओगी जेल, और तुम तो इसका साथ दी, गेहूं के साथ भून भी तो पिसेगा, तो तुम दोनों जाओगी जेल। अब बोलो।
काकी, हाँ? आप लोग पंडित जी के पास रहिए ना, वो उन्हें कुछ देगा तो आपसे मांगे। तुम बाकी काम संभालो, हम पंडित जी को देख लेते हैं, ठीक है? जानवी को कैसे बुलाऊं मैं? इतना प्यार करते हो उससे? बेइंतहा। क्या कर सकते हो उसके लिए? कुछ भी। जैसे? अपनी जान तक दे सकता हूँ। पर जानवी को पाने के लिए किसी की जान ले सकते हो? आदि को अपने रास्ते से हटा दो, जानवी तुम्हारी हो जाएगी। मिलाओ के मुझसे हाथ।